आज मैं प्राउडली आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ किया कैरेंस का बेस वेरिएंट अपग्रेडेड टू द एक्स लाइन एडिशन विद द क्रूज कंट्रोल एक्टिवेटेड। प्राउडली इसी के लिए बोला, हम क्या चीज़ के लिए जाने जाते हैं हर वक्त, एक इनोवेटिव आइडिया के लिए। हमारे तीन हम मैंने एडिशन निकाले थे, एक जीटी लाइन एडिशन इसी के लिए क्योंकि उसके अंदर मैंने किया जेन्यून के 17 इंचेस इंस्टॉल किए थे, एक एन लाइन एडिशन क्योंकि उसके अंदर एन लाइन के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए थे, आज प्राउडली इसी के लिए क्योंकि ये एक्स लाइन के अलॉय व्हील है। मैंने तो 16 इंच में मैंने खुद इतने अलॉय व्हील इंस्टॉल कर चुका हूँ, लेकिन ये अलॉय व्हील के बाद एक लुक, एक स्टैंड आउट, एक अलग ही दिखता है। ये ओरिजिनल डायमंड कट एलॉय व्हील आते हैं, 11,500 रुपया पर पीस आते हैं, ये बाकी सबसे थोड़े महंगे, लेकिन लुक और स्टैंड आउट भी कुछ हटके है। ये कार हमने ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन की है, गरवारे की हाई ग्लॉस पीपीएफ हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। एक ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ एक लुक, एक स्टैंड आउट तो देखिए, वाइट कलर की कार विद द ड्यूअल टोन जो हाई ग्लॉस पीपीएफ हम करते हैं, कुछ अलग ही गेटअप आता है दोस्तों। हैदराबाद TS15 क्यों आएंगे मेरे पास इतनी दूर से, काम हर जगह होता है और काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ तो एक खास बात रहेगी, कस्टमर को भी इतनी दूर से भरोसा है, मैं इतनी दूर जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा, कुछ अलग ऐसा मिलेगा। 50 किया कैरेंस चले, मेरी कार को कुछ अलग दिखना है तो वो विग ऑटो में ही पॉसिबल है, जो मैं हर वक्त आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये कार में हमने जेनेसिस फुटस्टेप भी इंस्टॉल की हुई है, एक एक हमारी फुटस्टेप की फिटमेंट फिनिशिंग तो देखिए, और ये फ्लश फिटिंग आती है, वो बाकी सब फुटरेस्ट के जैसी नहीं कि वो बॉडी से बाहर आती है जो अच्छी ना लगे, कोई हमें ओला उबेर नहीं बनानी है कुछ भी फुटरेस्ट लगा के, एक फुटरेस्ट भी ऐसी लगनी चाहिए, एक लुक आना चाहिए, एक स्टैंड आउट आना चाहिए वो फुटरेस्ट का, जो मैं हर वक्त आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। हाई इंफ्रारेड हीट रिजेक्शन फिल्म हमने पूरी कार के अंदर इंस्टॉल की है, ORVM मिरर नहीं लग के आते हैं वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, लेकिन दोस्तों एक साइड प्रोफाइल में 5 सेकेंड एक एडमायर करके देखिए ये अलॉय व्हील के साथ किस तरीके से लग रही है, और आज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये हमारा न्यू आइडिया, ये हमारी न्यू एक्स लाइन एडिशन आपको किस तरीके से लगी है विद द ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन के साथ। रियर में हमने जेन्यून शार्क फिन एंटीना भी इंस्टॉल किया है, इसमें रेगुलर एंटीना ही लग के आता है, इसे रिप्लेस करके जेन्यून शार्क फिन एंटीना हमने इंस्टॉल किया है। जो सीट कवर है हमारी फिटमेंट फिनिशिंग तो देखिए, वॉलनट विद द वाइट के साथ द लाइटनिंग पैटर्न हमने इंस्टॉल किया है, एक एक हमारा परफोरेशन भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से है। ऑल द पिल्लर ए बी और सी, तीनों भी पिल्लर हमने लेदर रैप किए हैं विद द टॉप ब्लैक के साथ। अगर इंटीरियर करेंगे तो अच्छी तरह करेंगे दोस्तों, क्योंकि आधे अधूरे इंटीरियर में वो मज़ा नहीं आता है। फ्रंट की भी फिट फिनिशिंग आप लोगों के सामने है। ORVM मिरर्स विद द वन टच स्विचेस के साथ हम इंस्टॉल करते हैं, इसकी वे ऑफ वर्किंग भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तरीका क्या है हमारा काम करने का, वन टच स्विचेस वो भी किया जेन्यून के हमने मिरर्स इंस्टॉल किए हैं। फ्रंट की हमारी सीट कवर की फिट फिनिशिंग विद द सेंटर परफोरेशन के साथ है, ये जो पैटर्न हम इंस्टॉल करते हैं और कस्टमर को एक एक चीज़ सजेशन देते हैं, एक नेक्स्ट लेवल रहती है। सेम कलर की मैट्स भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की हुई है। हैदराबाद से आएगी तो सोनी ES सीरीज तो इंस्टॉल होगा ही होगा, क्योंकि उनको चाहिए थी क्वालिटी और 100% मेरी ड्यूटी है उनको क्वालिटी देना। ओंक्यो का 10.1 इंच का प्लेयर विद द वायरलेस एप्पल कार प्ले के साथ हमने इंस्टॉल किया हुआ है, चारों भी सोनी ES सीरीज के कॉम्पोनेंट एंड वन एक एम्पलीफायर भी हमने इंस्टॉल किया है सोनी का हाई रिज ऑडियो का। एक एक हमारी डैशबोर्ड की लेदर रैपिंग तो देखिए कि हम किस तरीके से करते हैं, पिल्लर की लेदर रैपिंग, स्टिचिंग वर्क, टॉप ब्लैक, दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था क्रूज कंट्रोल भी हमने इंस्टॉल किया है विद द 100% वर्किंग के साथ। दोस्तों कोई कौन देख के बोल सकता है कि ये किया कैरेंस का बेस वेरिएंट है,
कोई नहीं देख के बोल सकता है। अभी आज की तारीख में तो किया कैरेंस का सबसे डिमांडिंग मॉडल है बेस वेरिएंट, क्योंकि बेस को विगाटो में चाहे जीटी लाइन बनाइए, एन लाइन बनाइए, अब तो और एक आपको वेरिएंट हमने ऐड कर दिया हमारे लिस्ट में, द एक्स लाइन एडिशन भी है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये हमारा एक्स लाइन आपको किस तरीके से लगा है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इतनी दूर से हैदराबाद के मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, कुछ तो वो इतनी दूर वो बैठे हैं, मुझे मिले नहीं हैं कभी, लेकिन कुछ तो उनको भी लगता है ना, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे मैं किया लेके जाऊँ, मैं क्रेटा लेके जाऊँ, मैं एटिका लेके जाऊँ, कुछ ना कुछ तो नवा ज़रूर मिलेगा, नवा भी मिलेगा, जेन्युइन भी मिलेगा और 100% एक्यूरेसी के साथ मिलेगा, तब जाके कस्टमर हमको चूज़ करते हैं इतनी दूर से। रेगुलर मॉडिफिकेशन हमारे रहते हैं और भी किधर रहते हैं, लेकिन कुछ तो बात है हम में दोस्तों। देखिए हम किस तरीके से कार को आपको प्रेजेंट करते हैं, एक प्रेजेंटेशन देखिए, एक डेडिकेशन ऑफ वर्क देखिए, उसके बाद ही कस्टमर इतनी दूर दूर से हमारे पास आते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये कार के अंदर हमने क्रूज कंट्रोल भी इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और मैं तो बोलूंगा अभी हर किया कैरेंस में ये चीज़ इंस्टॉल होगी। इसकी वे ऑफ वर्किंग कैसी है मैं वो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। जस्ट वी हैव टू प्रेस द क्रूज बटन, एक्टिवेटेड है, और अगर मुझे स्पीड को डिक्रीज या इंक्रीज करना है तो मुझे स्विचेस भी दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिक्रीज हो रही है स्पीड, 70 पे थे अभी 60 पे आ चुके हैं हम, 59, 58, 57, और प्लस मुझे इंक्रीज भी करनी है तो आप चेकआउट कर सकते हैं, स्पीड भी मैं इंक्रीज कर सकता हूं, और यस मुझे डीएक्टिवेट करना है तो जस्ट मुझे क्रूज का बटन को प्रेस करना है और ये फंक्शन डीएक्टिवेट हो गया, और मुझे एक्टिवेट करना है तो बस ये बटन को मुझे प्रेस करना है और माय क्रूज इज एक्टिवेटेड, नो नीड फॉर द क्लच रेस एवरीथिंग, क्रूज मेरे 53 में मैंने एक्टिवेट कर चुका हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्रूज के साथ मेरी कार रन हो रही है और मुझे स्पीड इंक्रीज करनी है तो जस्ट ये स्विचेस मुझे दिए हुए हैं, मैं स्पीड इंक्रीज आप लोगों के सामने, मेरे कोई भी पैर एक्सीलेटर पे है ही नहीं, तो आप देख सकते हैं द क्रूज इज एक्टिवेटेड और ये क्रूज के साथ हम जा रहे हैं और मुझे डीएक्टिवेट करना है तो सिंपल डीएक्टिवेट हो चुका है हमारा क्रूज। अब बारी है हेडलाइट की, और हेडलाइट में इंस्टॉल होंगे तो ओसराम के CBI प्रो ही इंस्टॉल होंगे, क्योंकि ये ही 100% सक्सेस है किया कैरेंस में दोस्तों। जैसे कि मैंने हर वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता हूँ, परफेक्शन तो देखिए लाइट का कि किस तरीके से है, ये ऑफ मोड है, ये ऑन मोड है और ये लो बीम ऑन है, लो बीम की आप परफेक्शन चेकआउट कर सकते हैं ये CBI प्रो प्रोजेक्टर की, और ये हाई बीम है, इसका लो बीम इतना परफेक्शन है कि आप पूरा हाईवे इसी पे रन कर सकते हैं, और जो हेडलाइट के एडजस्टर हैं दोस्तों वो भी परफेक्टली पूरा वर्क करते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। यही तो खास बात है CBI प्रो प्रोजेक्टर की, नाइट टाइम में इंटीरियर वॉलनट एंड वाइट कलर का किस तरीके से लगता है दोस्तों वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, और ये कार में हमने एक्टिव एम्बिएंट लाइटिंग भी इंस्टॉल की है, नाइट टाइम में बहुत ही बढ़िया लगती है कार भी, मैं बोलता हूँ ना मॉडिफाई होती है ना, वो भी एक दिल से मॉडिफाई होती है, एक प्रेजेंटेशन भी एक अलग लेवल का होता है, कार इतनी अच्छी बनी है, एक्स लाइन के अलॉय व्हील, डायमंड कट, नाइट टाइम में भी आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से लगते हैं, लेकिन ये लाइट अलग है, ये लाइट परफेक्ट है और ये लाइट सक्सेस है किया कैरेंस कार में। ये कार में हेडलाइट की DRLs भी नहीं लग के आती है, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। नाइट टाइम हो चुका था, इतनी दूर से आए थे कस्टमर, मैं बोला नाइट में भी ज़रूर शूट करके बताएंगे,